सेवड़ा से सनकुआ पर पुराने पुल से ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत और 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने शासन प्रशासन की ओर से और आपराधिक लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण पुल जो नदी में आई बाढ़ से 1.5 साल पहले ढह गए थे, इन पुलों का पुनर्निर्माण कराने के लिए मैं लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से व्यक्तिगत मिलकर मांग की, विधानसभा में मुद्दा उठाया, 2 माह पहले सेवड़ा में बड़ा आंदोलन किया जिसमें नगर के व्यापारी पत्रकार प्रबुद्ध वर्ग के साथ आए, जनता में भी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर आक्रोश है, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई है, शासन प्रशासन को स्थिति को समझना चाहिए। उक्त आरोप पत्रकार वार्ता में विधायक घनश्याम सिंह ने लगाए हैं। विधायक ने कहा कि बारिश के बाद नदी पर आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए थी पर नहीं की गई। बारिश से पहले शासन ने रेत ठेकेदार को नदी पर पुल बनाने की अनुमति दी थी जिससे रेत निकाली गई है, वहीं पुल आवागमन को बनाना चाहिए था परंतु सरकार ने सेवड़ा के पुलों का निर्माण शुरू नहीं कराया, इसके लिए भाजपा के स्थानीय नेता भी जिम्मेदार है। रखी गई है किस कारण से रखी गई है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो हमारी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में, जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसकी सह यात्राएं निकल रही हैं हर जिले से। दतिया जिले की सह यात्रा अपने यहाँ से निकल रही है उसकी जानकारी देने के लिए। और दूसरा, कल शाम को जो दुखद घटना हुई सिंध नदी पर, जो दुर्घटना हो गई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो उस संबंध में 2 विषय। तो मैं पहले पदयात्रा से प्रारंभ करता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो ऐतिहासिक यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो उनने 2 मुद्दे उठाए हैं। एक तो उनका नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत खत्म की जाए, आपसी विभाजन की जो नीतियाँ हैं वो बंद की जाए और पूरा देश, सारे वर्ग, सारे संप्रदाय के लोग, सारी जाति के लोग, सारे क्षेत्र के लोग सब एक हो भारत के नाम से कि हम भारतवासी, सद्भाव की भावना समाज में उत्पन्न की जाए, जो दुर्भावना की बात है वो समाप्त की जाए। एक तो ये उनकी बात है। दूसरा उनका कहना है कि संविधान कमजोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा, खासतौर से केंद्र सरकार के द्वारा। संवैधानिक जो संस्थाएँ आज कमजोर हो गई हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, संसद हो, कहीं पर भी आम जनता की आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है, सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है। कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद जो पहले रहती थी वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए आखिर जनता की बात कहाँ उठाए। पिछले संसद के सत्र में, बजट सत्र में पहली बार इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि पहले तो विपक्ष हंगामा किया करता था, संसद के विधानसभा के सत्र स्थगित हुआ करते थे, अब के इस सत्र में सत्ता पक्ष के सांसदों ने लगातार हंगामा किया और विपक्ष को बोलने नहीं दिया। विपक्ष का कोई भी नेता अगर महंगाई की चर्चा करने के लिए खड़ा होता था तो चिल्ला चिल्ला के उसे चर्चा दिया जाता, अगर बेरोजगारी की समस्या को उठाना चाहता है नहीं उठाने दिया गया। यहाँ तक ताज्जुब की बात है कि लोकसभा के स्पीकर ने महंगाई के ऊपर चर्चा किसी भी फॉर्म में कराने से मना कर दी, न ध्यानाकर्षण, न स्थगन, उन्होंने कहा महंगाई कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए, महंगाई देश में कोई मुद्दा नहीं है क्या? ऐतिहासिक महंगाई है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, गरीब आदमी की कमर टूट रही है, आम जनता परेशान है, खाने पीने की चीज़ें से लेके पेट्रोलियम पदार्थ तक, घरेलू गैस, कोई भी चीज़ हो चरम पर महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है, आज पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, और सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही, कहीं कोई